हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कान न्यूज़। मेरा नाम है ऋषभ और हर बार की तरह आज का अपडेट भी बहुत ही अमेजिंग है। आज हम करने वाले हैं इसके प्रॉपर टेस्ट, रेनो ट्राइबर। रेनो ट्राइबर के लिए बहुत लोग एक्साइटेड थे, बहुत लोग जानना चाहते थे कि इतनी कम प्राइस में रेनो कंपनी इतने सारे फीचर्स कैसे दे सकती है। तो बहुत लोगों का मानना था कि इसका इंजन इतना पावरफुल नहीं है, उस बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो में मिल जाएगी। इनफैक्ट हम इसकी क्लेम माइलेज, इसके फीचर्स, बेस वेरिएंट, टॉप वेरिएंट, आपको बेस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट कौन सा मिल जाता है, इसका प्रॉपर इंजन टेस्ट होगा, अंदर नॉइस कितनी आती है, पावर सफिशिएंट है या नहीं, सात लोगों के लिए सीटिंग कैपेसिटी तो है, क्या ये गाड़ी सात लोगों को पुल कर सकती है, ये सारे क्वेश्चंस आपके जो हैं इसी वीडियो में कवर हो जाएंगे। तो आपको रेनो ड्राइवर की कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस वीडियो को देखने के बाद। लिटरली एक एक टॉपिक हम कवर करने वाले हैं, इंटीरियर की बिल्ड क्वालिटी हो या फिर एक्सटीरियर की, इंटीरियर के आपको फीचर्स जो मिल रहे हैं उनकी क्वालिटी हो या फिर एक एक चीज़ आपको फीचर में डिज़ाइन एलिमेंट्स मिल रहे हैं उसके बारे में भी हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं और मेरी टीम आपके लिए बहुत मेहनत करती है इसी तरह की अमेजिंग वीडियोज़ लाने के लिए। इनफैक्ट आने वाले दिनों में हम आपके लिए और सारी लेटेस्ट कार्स की न्यूज़, ऑफर्स, टेस्ट ड्राइव, एक्सेसरीज, कंपैरिजन, लीक्ड इन्फॉर्मेशन, ब्रोशर्स वगैरह, प्राइसिंग लीक्ड इन्फॉर्मेशन के साथ साथ बहुत कुछ अपलोड करते रहते हैं। तो उन्हें देखने के लिए बार बार कहता हूँ, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। शुरू करते हैं आज की इस वीडियो के साथ, शुरुआत करते हैं गाड़ी के वॉक अराउंड से। तो आपको बता दूं कि हालांकि ये टॉप वेरिएंट है, कंपनी ने इतनी कम प्राइस में यानी कि 649 जो लैक्स आपके एक्स शोरूम प्राइस है उसमें किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, चाहे वो ग्रिल हो, चाहे वो इसका ये बैजिंग हो, चाहे इसकी बिल्ड क्वालिटी हो, साथ के साथ इसके डिज़ाइनिंग में तो बिल्कुल भी नहीं। ऑनेस्टली काफ़ी शानदार इसके प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स हैं और इसको आपको LED DRLs भी मिल जाते हैं नीचे की तरफ। अच्छी चीज़ जो इसके प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स हैं वो आपको बेस वेरिएंट में भी मिल जाएंगे। फ्रंट लुक की बात करें तो आप इजीली देख सकते हैं कि गाड़ी कितनी अट्रैक्टिव लगती है, लेकिन हालांकि साइड प्रोफाइल, अलॉय व्हील्स, वो किस हिसाब के हैं? आपको बता दूं कि वैसे तो टॉप वेरिएंट में आपको अलॉय व्हील्स नहीं मिलेंगे, व्हील कवर्स मिलेंगे, लेकिन वो भी काफ़ी स्टाइलिश हैं। ये एक एक्सेसरी है, ये आपको इसके साथ यानी कि RXZ वेरिएंट के साथ आपको नहीं मिलने वाले हैं। क्लियर कर दूं, फोटो आपको दिखा देता हूं, साथ के साथ आपको ORVM मिल जाता है और वो रहा उसका इंडिकेटर। बाकी साइड प्रोफाइल काफ़ी मैसिव लगती है, डेफिनेटली आपको किसी तरह की लगता नहीं कि गाड़ी छोटी है, वो भी इस प्राइस में। मुझे तो सबसे पहले यही, बस जब मैंने इसकी प्राइसिंग अनाउंस हुई थी ना, तब भी मुझे बहुत था कि यार इतनी कम प्राइस में इतना कुछ फीचर्स दे देंगे तो कहीं ना कहीं इंजन और बिल्ड क्वालिटी में फ़र्क तो नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, नॉट द बेस्ट बट येस इट्स गुड। जो क्वालिटी इन्होंने यूज़ की, कॉम्प्रोमाइज़ हम किसी तरह के नहीं कह सकते। लाइट वेट इसलिए किया ताकि माइलेज अच्छी आ जाए, हालांकि जितने भी मटेरियल्स इसमें यूज़ किए हैं वो आपको पसंद आएंगे डेफिनेटली। ऐसा नहीं कि क्वालिटी अच्छी नहीं है, इंटीरियर की क्वालिटी कैसी है वो भी जान लेते हैं और इंजन के बारे में भी। रियर साइड में भी किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया आपको, चाहे वो इसका वाइपर हो, चाहे इसका डिफॉगर या फिर उसका वॉशर। साथ के साथ आपको स्टॉप लाइट भी मिल जाती है, रेनो की बैजिंग मिल जाती है यहाँ पर, और साथ के साथ आपको ये ईगल पीक डिज़ाइन, आपको यहाँ पर ये जो आपको बैक लाइट मिल जाती है जिसको हम टेल लैम्प भी कहते हैं। साथ के साथ आपको यहाँ बैजिंग वगैरह तो ऑब्वियसली मिल ही जाएगी, काफ़ी ह्यूज डिज़ाइन लगता है ओवरऑल। और इसकी बूट स्पेस की बात करें, यहाँ पर एक जो कैमरा भी आ जाता है वैसे, और बूट स्पेस के लिए भी अगर हम इसको खोलें तो ये काफ़ी मैसिव जगह बन जाती है। वैसे तो 7 सीटर अगर कॉन्फ़िगरेशन आप नहीं रखते हैं, जो प्रॉपर 7 रखते हैं सॉरी, तो आपको 84 लीटर्स की बूट स्पेस यहाँ पर फिर भी मिल जाती है, हालांकि कुछ ज़्यादा नहीं है। बेसिक अगर आप छोटा बैग रखना चाहते हैं या कुछ फंसाना चाहते हैं तो डेफ़िनेटली वो फंस जाएगा। 7 सीटर के हिसाब से इसकी डायमेंशंस को देखते हुए इतनी जगह बहुत है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि कंपनी ने अंदर कॉम्प्रोमाइज़ किया स्पेस को लेके, वो भी फाइंड आउट कर लेते हैं। अब बारी आती है इस गाड़ी के इंटीरियर की कि आखिरकार बिल्ड क्वालिटी कैसी है। तो डैशबोर्ड से शुरू करें तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है, क्वालिटी आपको अच्छी मिल जाती है। फीचर्स की बात करें तो 8 इंच की टच स्क्रीन आपको मिल जाती है, HD टच स्क्रीन है, स्मूथ इसका इंटरफेस है। अभी गाड़ी ऑफ में चला के दिखाता हूं आपको। अभी एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले भी आपको मिल जाता है, पुश बटन स्टार्ट है, सारे कंट्रोल्स यहां पर मिल जाते हैं, डिजिटल आपको यहां पर इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर मिल जाता है, रूफ, पिलर्स, साइड्स। बिल्ड क्वालिटी इज़ अबव एवरेज, नॉट द बेस्ट बट इस प्राइस में बेस्ट है, इस प्राइस के हिसाब से बेस्ट है। कंपटीशन के हिसाब से देखें तो कंपटीशन में कौन सी आती है, दैट्सन को नहीं, ये बेटर है ऑनेस्टली प्राइस के हिसाब से अगर हम देखें। साथ के साथ स्टोरेज स्पेसेस बहुत अच्छी आपको मिल जाती हैं, तो टोटल 9 स्टोरेज स्पेसेस आपको मिलती हैं और 31 लीटर्स की, अच्छी चीज़ है। ये भी ट्रे मिल जाती है यहाँ पर नीचे, आपको सीट के नीचे ग्लव बॉक्स 2 है यहाँ पर, नीचे वाला आपको कूल्ड मिल जाता है, काफ़ी ह्यूज है, सामान काफ़ी रखा जाता है। साथ के साथ आपको यहाँ पर भी कूल्ड मिल जाता है और यहाँ पर आपको AC कंट्रोल्स के साथ साथ ये वाला ग्लव बॉक्स तो है ही। ये एक अच्छी चीज़ है कि आपको गाड़ी में ना स्टोरेज स्पेसेस की कमी महसूस नहीं होगी। सिटिंग कंफर्ट की बात करते हैं, कंफर्ट के मामले में सीट्स बहुत ह्यूज नहीं है लेकिन कंफर्टेबल है, आपको प्रॉपर आपको कंफर्टेबल फील मिलता है आपको इसमें, और आपको थकोगे नहीं आप जल्दी, वही बात आ जाती है। बेस्ट नहीं है लेकिन अबव एवरेज डेफिनेटली, इस प्राइस के हिसाब से बेस्ट है पक्का। अब मेजर क्वेश्चन, इसकी रियर सीट कंफर्ट, लेगरूम चेक कर रहे हो आप? आगे वाली मैंने बहुत
पीछे रखी सीट ऑनेस्टली, अभी बिल्कुल पीछे नहीं लेकिन हाँ काफ़ी पीछे है, और आगे वाला भी इजीली पर्सन बैठ सकता है। यहाँ पर भी आपको प्रॉपर लेग रूम मिल जाता है। थाई सपोर्ट की बात करूँ तो हाँ, जब आप लेग स्ट्रेच करेंगे तो आपको मिलेगा, ऑब्वियसली ऐसे रखेंगे तो इतना नहीं मिलेगा। हालांकि थिएटर पोजीशन है इसकी कि इस वाली सीट से ये वाली सीट थोड़ी सी ऊंची है, तो आपको विजन जो मिलता है वो काफ़ी अच्छा मिल जाता है। डेफिनेटली इंटरेस्टिंग बात, यहाँ पर आपको इसके एसी वेंट्स मिल जाते हैं इंडिपेंडेंट, और आपको वहाँ पर सेंटर में प्रॉब्लम नहीं आती, और आपको इसकी सेटिंग्स भी यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। 12 वोल्ट का सॉकेट भी है चार्जिंग वगैरह के लिए, क्या ही कमाल बात है। साथ के साथ यहाँ पर होल्ड करने के लिए हैंडल। पीछे का जो अच्छी चीज़ मुझे लगती है ना कि विंडो जो पूरा इन्होंने साइड्स पे यूज़ किए हैं वो काफ़ी बड़ी यूज़ किए हैं, तो पर्सन को आइसोलेटेड सा फील नहीं होता जो पीछे बैठा है, उसको भी पूरा बाहर का व्यू मिलता है। इनफैक्ट फ्रंट का भी बहुत अच्छा व्यू उसको मिल जाता है, बिकॉज ये जो सीट्स हैं ये थोड़ी सी आगे वाली सी ऊपर हैं। अब इसका एक इंटरेस्टिंग पार्ट कि इस सीट्स की एक और जो मेजर खासियत है, या मेजर खासियत के अलावा जो ये हाई एंड गाड़ियों में मिलती हैं, इस गाड़ी में वो फीचर है कौन सा, स्लाइडिंग का। स्लाइडिंग आप इस वाली सीट्स को पूरा स्लाइड कर सकते हैं ताकि पीछे वाले लोगों को एक्स्ट्रा लेग रूम मिल सके। अगर इसको पूरा पीछे करते तब भी बहुत लेग रूम है, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। और साथ के साथ ये वाली सीट्स रिक्लाइनिंग भी हैं, पूरा पीछे जाके रिलैक्स किया जा सकता है इजीली, तो पीछे बैठे पर्सन के लिए बहुत इजी हो जाता है आप का रिलैक्स करना। अगर पीछे कोई भी नहीं बैठा है या पीछे सिर्फ लगेज है थोड़ा बहुत, या फिर अगर पीछे लोग बैठे भी हैं तब भी आप इसको अपने अकॉर्डिंगली थोड़ा बहुत रिक्लाइन कर सकते हैं, आगे के लिए भी आ जाता है ताकि पीछे आप मैक्सिमम सामान रख सकते हैं या पीछे लोगों को कम्फर्ट ज़्यादा देना है तो। लेकिन बेस्ट सेटिंग, इतना से रिक्लाइन करके भी पीछे काफ़ी लेग रूम पड़ जाता है। अब इस गाड़ी की USP, इसकी थर्ड रो की खासियत क्या है कि नॉर्मली बाकी गाड़ियों में क्या होता है कि छोटे बच्चों के लिए ये सीट रखी जाती है, लेकिन इस गाड़ी में ऐसा नहीं है। आपको इसमें प्रॉपर आप अडल्ट बिठा सकते हैं, वो भी 6 feet टॉल हो, चाहे ना उसके नीज लगेंगे ना ही उसका हेड, वो भी आपको दिखाया था। मेरी हाइट 5'9" है, पीछे बैठ के आपको दिखायाता हूँ। अच्छी चीज़, इस सीट को आगे करने के लिए आपको ज़्यादा जोर भी नहीं लगता, और कोई छोटा बच्चा भी इसको कर सकता है। वेरी इजी स्टेप, आप ध्यान से देखिएगा, सिर्फ इसको ऐसे पुल करना और ये खत्म। इतना बड़ा आपको एरिया मिल जाता है अंदर बैठने के लिए, आपको कोई भी तरह की दिक्कत नहीं आती है, ज़्यादा स्क्वीज़ नहीं करना पड़ता पीछे बैठने के लिए, तो एक अडल्ट के लिए भी बहुत इजी है अंदर बैठना, वो भी आपको दिखा देता हूँ। इस तरह से आप पीछे आ सकते हैं इसमें, और आपको कैमरा एंगल के लिए मैं ये भी दिखा देता हूँ कि आप कैसे बैठ सकते हैं इसमें। इस सीट का भी मीडियम पे रखा गया है। आप हेडरूम देख रहे हैं कितना है मेरे पास सपोर्ट, मेरे को यहाँ पर सिटिंग कंफर्ट मिल जाता है। हालांकि थाई सपोर्ट मिसिंग है ऑब्वियसली, बिकॉज मेरे को थोड़ा ऐसे बैठना पड़ता है स्ट्रेट होके, लेकिन वैसे कंफर्ट की अगर हम विड्थ की बात करें तो अगर छोटे लोग होंगे वो तो 3 भी बैठ जाएंगे, बड़े अडल्ट्स के लिए 2 की सिटिंग, कंफर्टेबल वाली 2 की सिटिंग। अच्छी चीज़, आपको यहाँ पर आर्मरेस्ट भी मिल जाती है, यहाँ पर आपको इंडिपेंडेंट, आपको यहाँ पर एसी वेंट्स मिल जाते हैं ताकि पीछे वाले लोगों को भी कोई प्रॉब्लम ना हो या फिर उनको अलग सा फील ना हो। जैसा कि मैंने सेकंड रो का बताया था, इसका भी थोड़ा सा ऊंचा है सेकंड रो के कंपैरेटिवली, तो आपको वो भी व्यू बहुत अच्छा मिल जाता है। साथ में ये विंडो पेन, आइसोलेटेड फील नहीं होगा आपको, बोर नहीं होगा, आपको आगे का व्यू पूरा दिखेगा, साइड्स का व्यू पूरा दिखेगा, कंफर्टेबल भी काफ़ी है। साथ के साथ आपको इस साइड पे आपको एक 12 वोल्ट का सॉकेट भी मिल जाता है अपने लैपटॉप या मोबाइल चार्ज करने के लिए। थर्ड रो सिटिंग की अगर मैं आपसे अब बात कर रहा हूँ तो आपको दिखा दूँ कि यहाँ पर मेरे को नीचे तो सपोर्ट नहीं मिलता, लेकिन आगे मेरे को काफ़ी लेग रूम मिल जाता है, और विड्थ वाइज भी गाड़ी की आपको जगह अच्छी मिल जाती है। हालांकि सीट अभी ये पूरी तरह से आगे, अब इसको मैं पीछे करके दिखाता हूँ। ये मैंने पूरी पीछे कर ली, फिर भी मतलब मेरा नी मतलब पूरा टच भी नहीं करा, थोड़ा सा रह जाता है। मेरे से कोई लंबा पर्सन होगा उसका शायद नी टच कर जाए, लेकिन फिर भी अगर मैं और सीधा होकर बैठ जाऊंगा तो नी फिर भी टच बिल्कुल भी नहीं करता, तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि थर्ड रो में भी आपको कंफर्ट में कॉम्प्रोमाइज़ देखने को नहीं मिलेगा। इंटरेस्टिंगली जब आपको 7-सीटर गाड़ी मिल रही है तो आपको एक लगेज स्पेस या फिर लगेज लेके जाने की जगह भी आपको मिलनी चाहिए। आप अगर लॉन्ग ट्रिप्स पे जा रहे हैं उसके लिए काम आते हैं ये रूफ रेल्स, 50 kg तक का वेट कैरी कर सकते हैं, लेकिन हर बार ज़रूरी नहीं है कि आप 7 seats यानी कि 7 लोग पूरे ऑक्यूपाई कर रहे हैं, 7 seats को ऑक्यूपाई कर रहे हैं सारी गाड़ी को, 5 लोग भी होते 6 लोग भी होते, तो उस टाइम पे बूट स्पेस का क्या। वैसे तो आपको 84 liters की बूट स्पेस यहाँ पर मिल जाती है जब आपने सारी सीट्स की हुई हैं, लेकिन अगर उससे ज़्यादा चाहिए तो ये इजी फिक्स सीट्स, ये सीट्स पूरी की पूरी निकल जाती हैं, और 625 liters की बूट स्पेस आपको मिलती है ओवरऑल, जो कि सब 4 meter गाड़ी के अंदर किसी में नहीं मिलेगी आपको, वो भी इस प्राइस में पॉसिबल ही नहीं है। रेनो ने ये कमाल कर दिखाया है। अब इन सीट्स को निकालने का तरीका, इसको नीचे करना बहुत ईजी, आपको किसी तरह का कोई टूल यूज़ नहीं करना पड़ता। फर्स्ट ऐसे, और इसको थोड़ा सा पॉप करना पड़ता ऊपर को, और ये बैक इसकी निकल गई। अब इंटरेस्टिंगली नीचे वाला पार्ट, यहाँ पर भी कोई टूल यूज़ नहीं करना पड़ता, कोई बच्चा भी इसको कर सकता है। जस्ट इसको थोड़ा सा करना है और ये आपकी एक ही बार में इसको अभी ऐसे निकाल सकते हैं। वेरी इजी,
मैं जैसे पहली बार निकाल रहा हूँ तो बेल्ट वगैरह अड़ रही है, लेकिन आप दो तीन बार निकालेंगे आपको इसकी आदत हो जाएगी। इसी तरह ये सीट निकल जाती है और टोटल आपको स्टोरेज मिल जाती है 625 लीटर्स की। कमाल की बात है। अब बारी आती है ड्राइवर की ड्राइव के बारे में। तो सबसे मेजर क्वेश्चन जो लोगों का आता है वो आता है कि ये आखिरकार इसकी पावर कैसी है, अंदर नॉइस वगैरह किस हिसाब की आती है। सारी चीज़ें मैं इसी वीडियो में कवर करूँगा। अभी हम रोड की तरफ जा रहे हैं, अभी ग्राउंड में खड़ी थी गाड़ी जैसे कि आपने पहले देखा होगा। ओके, सस्पेंशन वाइज जितना मेरे को अभी तक रियलाइज हुआ है वो ये है कि वही अबव एवरेज, नॉट द बेस्ट बट अबव एवरेज। पावर की अगर मैं आपसे बात करूँ सात लोगों के हिसाब से तो करते हैं मेन रोड पे जाके करते हैं। क्लच थोड़ा सा हार्ड है ऑनेस्टली, लेकिन गियर नॉब ठीक है, गियर बहुत सॉफ्ट है, क्लच थोड़ा सा हार्ड लगता है। स्टेयरिंग की स्मूथनेस बहुत अच्छी है, मुझे तो शायद स्टेयरिंग में किस तरह का कॉम्प्रोमाइज़ हो, लेकिन ऐसा नहीं है। डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल क्लच तो कूल लग रहा है, वैसे कूल है। साथ साथ गियरिंग चेंज करने में टाइम ज़्यादा नहीं लगता, झटका थोड़ा सा नहीं लगता। क्लच वगैरह थोड़ा सा हार्ड मुझे ऑनेस्टली थोड़ा सा लग रहा है, उसके अलावा और कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि हाँ, गाड़ी की थोड़ी सी आवाज़ आती है अंदर अनडाउटेडली। पावर की अगर मैं आपसे बात करूँ ना तो पावर इतनी भी कम नहीं है जितना पेपर्स पे लगती है। ऑनेस्टली इतनी कम पावर नहीं है इसकी, पावर ठीक है। सात लोग, अभी तो तीन लोग बैठे हैं गाड़ी में, तो उसके हिसाब से पावर ठीक है। बहुत अच्छी नहीं है ऑब्वियसली, लेकिन इस प्राइस में मेरे हिसाब से बेस्ट है। आपको अच्छी पावर मिल जाती है, अच्छा कंफर्टेबल आपको सिटिंग मिल जाती है, और साथ के साथ आपको एक कंफर्टेबल राइड मिल जाती है। हालांकि पहाड़ों पे सेवन सीटर साथ में रूफ पे सामान हो तो गाड़ी थोड़ा सा स्ट्रगल करेगी डेफिनेटली। सस्पेंशन टेस्ट देखें इसका। लो भाई, ये इसका सस्पेंशन टेस्ट अच्छा है वैसे, इस प्राइस के हिसाब से, गाड़ी के ओवरऑल साइज़ के हिसाब से, वेट के हिसाब से, लोगों के बैठे के हिसाब से सस्पेंशन इज़ गुड, अबव एवरेज इजीली। स्टीयरिंग की स्मूथनेस मुझे पर्सनली पसंद आई है, ये एक्सपेक्टेशन से थोड़ी बेटर है। गाड़ी की आवाज़ आती है अंदर थोड़ी सी, जो कई कभी कभी प्रोबेबली आपको ज़्यादा लोग बैठे हो या आपको ज़्यादा पावर की रिक्वायरमेंट है, तब आपको हो सकता है फील हो कि यार थोड़ी पावर की वजह से जो आवाज़ आ रही है वो ज़्यादा है। इंटरेस्टिंगली गाड़ी की कूलिंग अच्छी है, लेकिन अभी हमने एसी ऑन नहीं किया हुआ, आवाज़ आपको आएगी कैमरा में इसीलिए, लेकिन गाड़ी की कूलिंग अच्छी है, पहले भी मैंने थोड़ी सी चलाई। उसके अलावा ब्रेकिंग की अगर मैं आपसे बात करूं तो ब्रेकिंग भी यूनिफॉर्म है एंड कॉन्फिडेंट ब्रेकिंग है। फ्रंट डिस्क मिल जाती है, पीछे ड्रम, लेकिन आपको एक कॉन्फिडेंट ब्रेकिंग डेफिनेटली मिल जाती है। टर्निंग रेडियस इज़ वेरी गुड, ऑनेस्टली मुझे इसका स्टीयरिंग अच्छा लग रहा है काफ़ी। वाइब्रेशंस एज सच नहीं है जैसे कि मेरे को था कि शायद होंगी, लेकिन वो डीजल इंजन में होनी थी, पेट्रोल वाले इसमें नहीं है, डीजल तो आता ही नहीं, चलो। लेकिन बात ये है कि इसमें आपको वाइब्रेशंस फील नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ आवाज़ का लगता है। पावर भी इतनी कम नहीं है जितनी पेपर्स पे लगती है, उससे थोड़ी ज़्यादा ही है। वही मैंने आपको बताया, पहाड़ों में होंगे, सात लोग बैठे होंगे, लगेज होगा तो गाड़ी थोड़ा सा स्ट्रगल करेगी, ज़्यादा नहीं। उस हिसाब से गाड़ी अच्छी है। बिल्ड क्वालिटी वगैरह मैं आपको बता चुका हूँ, ग्राउंड क्लीयरेंस के मामले में बढ़िया रहती है, 182 आपको ग्राउंड क्लीयरेंस मिल जाती है। और उसके अलावा स्टीयरिंग स्मूथनेस इज गुड, आपको वॉबल भी गाड़ी नहीं करती है। हाईवेज पे भी, हाई स्पीड पे भी आपको थोड़ी सी आवाज़ करेगी, मतलब बेसिकली 3000 आरपीएम के बाद इसकी आवाज़ बढ़ जाती है थोड़ी सी, वैसे इतनी आवाज़ नहीं होती, बट गाड़ी ओवरऑल अच्छी है। प्राइस के हिसाब से इट इज़ अ वेरी गुड बाय। बेस्ट वेरियंट की अगर मैं आपसे बात करूँ तो इसका टॉप वेरियंट भी बनता है, जिस हिसाब से इसकी प्राइसिंग है तो आपको वही लेना चाहिए। सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं और प्राइसिंग में ज़्यादा फर्क नहीं है। ऑन रोड आपको क्या 7.5 से 8 लाख के बीच में मिल जाएगी, अच्छी प्राइस है, ट्रस्ट में। तो ये था मेरी तरफ से रेनो ड्राइवर का डिटेल्ड वॉक अराउंड, उसकी टेस्ट ड्राइव, उसके बारे में रिव्यूज़, एक एक चीज़ मैंने इसी वीडियो में कवर कर दी, चाहे उसके फीचर्स हो, चाहे उसका बेस्ट वेरिएंट हो, चाहे उसकी बाकी चीज़ें हो। हाँ, आपको एक और चीज़ बता दो कि गाड़ी की जो एक्सेसरीज है ना, पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। एक्सेसरीज आपको काफ़ी वैरायटी मिल जाती है, चाहे वो उसके अलॉय व्हील्स हो, चाहे उसके इल्यूमिनेटेड लोगो हो, मैट्स हो, सीट कवर्स हो। हालांकि टॉप वेरिएंट में आप सीट कवर्स नहीं लगा सकते 4 एयरबैग्स की वजह से, इसी प्राइस में 4 एयरबैग्स, ये भी एक कमाल की बात है। तो आपको वही मैं बता रहा था कि टॉप वेरिएंट लेना ही बेस्ट है, एक्सेसरीज इसमें आपको बहुत अच्छी मिल जाती हैं, गाड़ी ओवरऑल काफ़ी अच्छी है, आपको डेफिनेटली एक बार टेस्ट ड्राइव लेनी चाहिए इसकी। मैं आपको बता दूं कि अगर आप पंजाब से हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, इस नंबर पे मैं आपको टेस्ट ड्राइव भी दिला दूंगा। और हाँ, जलंधर से हैं तो आपके साथ शोरूम जाके आपके लिए टेस्ट ड्राइव भी करवा दूंगा डेफिनेटली। ऑल ओवर इंडिया में अगर आप हैं तो आप मेरे को कॉल तो कर ही सकते हैं, आपको गाइड तो मैं कर ही लूँगा कि आपको कौन सा वेरिएंट लेना चाहिए, कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। इस नंबर पर कॉल जल्दी से कर लें। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।